नमस्कार दोस्तों, मैं प्रीति शर्मा, द फैक्ट टाइम में आपका स्वागत है। आज हम पंजाब में पहुंचे हैं। पंजाब में लोगों से बातचीत करते हैं कि बाबा राम रहीम जी अब समाज में नहीं है, क्या समाज में कोई फर्क लग रहा है, इनको क्या फील होता है कि जब से वो नहीं है कितना चेंज आया है समाज में। सर, आपका नाम क्या है? सिमरनजीत। सिमरनजीत जी, आपको क्या लगता है, जैसे बाबा राम रहीम जी काफ़ी समय से, अब हम देख रहे हैं 1.5-2 सालों से वो समाज में नहीं है, क्या फ़र्क आया? फर्क जे तुसी वेखना चाहुंदे हो पंजाब च, तो बहुत वड्डा फर्क। पहला सब तो पहला जे कहिए नशियां दा हड़, साढ़े पंजाब जो नौजवान पीढ़ी है बिल्कुल खत्म होंदी जा रही है। नशा बिल्कुल 0% खत्म करता लोगों को। नौजवान 1% काम नहीं कर सकते, कोई नौजवान काम करता देख लो, दिखाओ। एक डेरा सच्चा सौदा संत गुरमीत राम रहीम सिंह जी इंसान, यहो जे भगवान कहिए तो बिल्कुल सही दर्जा हुआ, क्योंकि जो पंजाब शासन किए इन्ने लोगों ने बेहद लख लख लोगों ने एक एक शासन से नशा छड़िया, जिस की वजह नाल पंजाब जो प्रेमी बने, डेरा प्रेमी बने, उन्होंने बहुत वधिया कार्य चलाए। उस तो बाद जो शासन सरकार माड़िया नीतियां कारण बंद किए, उस तो बाद जो पंजाब विच नशियां दा हड़ वगिया, जिस ते तुसीं अज सामने देख सकते हो बच्चों नूं भयानक बीमारियां, कैंसर, सारे बीमारियां तुहाडे सामने है। किन्ने ज़्यादा नौजवान हर पिंड विच, अद्ध तो वध पिंड है जिहड़ा वो नशा करता है। पहलां तां जो दस दईए, जो मीडिया ने जो उस समय टी वी ते विखाया वो आम घर विच वेखण योग नहीं है, क्योंकि हर घर विच कुड़ियां मटियारां तियां सब परिवार भैन भाई सब रहिंदे हन। जो मीडिया दिखा रहा है कि उन्हें घर कुड़ियां नहीं है, वह कुड़ियां के सामने ये जो कुछ दिखाएंगे, जो इन्ना गंदा टीवी पर प्रसार कर रहे वो उस 101% झूठ सी, 101% झूठ सी, 1% भी सच्चाई मीडिया को नहीं सी। मीडिया बकाऊ है, वो सिर्फ भड़का रहा सी, पैसे लैके उन्होंने सब कुछ किया। 101% मीडिया झूठा है, सही झूठा है। जो मीडिया ने नजायज़ डेरे ते जो संतां दे ए झूठे इल्जाम लाए हैं, वह 101% झूठ हैं। जो बाबा राम रहीम जी हैं वो एक बहुत ही नेक भगवान कह सकते हैं, उन्हें भगवान ही हैं, क्योंकि वो इतने हमारे जो गांव में कितने लोग थे वो नशे से जूझ रहे थे, बाबा राम रहीम से जुड़ने के बाद उन्होंने नशा छोड़ दिया, उनका परिवार स्वर्ग बन गया। जो राम रहीम जी है वो एक बहुत ही देश भगत हैं, उन्होंने देश प्रति प्यार जगाया। जो उत्थे जो संगत कट्ठी हुंदी सी उन्होंने बाबा राम रहीम जी सिर्फ एक प्यार का संदेश देंदे कि आपस में प्रेम प्यार करो, सारी सास जो लोड़वंद है उन्होंने मदद करो, मरीजों का इलाज कराओ, जो जिन्हें को घर नहीं उन्होंने घर बना के दो, किसी तरह की कोई मदद है खून वाले खूनदान करो, जिस किसी का कोई गुरदा दान 133 मानता भलाई के जो कार्य उन्होंने चलाए से उन्होंने पूरा डट के वो साध संगत नाल सहयोग करते, पूरा उन्होंने दिशा निर्देश करके उन्होंने पूरा प्रबंध करते, साध संगत भी उन्होंने कर्म चल के उपर दिशा निर्देश अनुसार चल के बहुत वधिया बहुत वधिया काम करते। ऐसा क्या है बाबा जी में जो आज लोग उनको मान रहे हैं? जे सही देखिए तो ये मीडिया के मूँह एक चपेड़ है, क्योंकि इन्ना किसी को बदनाम करने तो बाद भी लोग उसनों मनन, तो बिल्कुल सच है कि वह बिल्कुल सच ही आदमी है।